हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐश्वर्या राय इंस्पायर्ड मेकअप लुक। जो आप ये पिक है ये देख सकते हैं, सो इसी से यही मेकअप लुक मैं आज रिक्रिएट करने वाली हूँ। आई होप कि मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पसंद आए और इनसे मिलता जुलता मैं मेकअप रिक्रिएट कर सकूं। तो यही मेकअप लुक मैं करने वाली हूँ और आप मेरी वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताएगा कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा है। सो आप देख सकते हैं मेरी स्किन, मैंने इसे कर लिया है वॉश। और तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का मलबरी टोनर, जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से रिफ्रेश कर देता है, बहुत अच्छी सी फ्रेशनेस देता है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी डे क्रीम मॉइस्चराइज करने के लिए अपनी स्किन को, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है उसे दूर कर देती है। सो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई है तो आप यूज़ कर सकते हैं लैक्मे 9 to 5 का ये सीरम, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को एंड बहुत ही अच्छा है। तो अपनी डार्क सर्कल्स और ये डार्क स्पॉट्स को मैं हाइड करूँगी 303 से। इसका येलो कलर आप ले मैं ले रही हूँ, आप ऑरेंज शेड भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसे मैं ब्लेंड करूँगी अच्छे से, आप फिंगर से या ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, इसे बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो इसके बाद मैं इसे सेट कर लूँगी पर्पल की पाउडर से। अगर आप सेट नहीं करते हैं तो ये आपके फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ा सा हट जाता है, तो इसलिए पहले ही सेट कर लें। सो मैं मूज़ फाउंडेशन का यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी के, ताकि मेरा जो स्किन का टोन है और जो मैं मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ उसे थोड़ा बहुत मैच हो जाए। तो ये थोड़ा सा मेरी स्किन से एक शेड कम है ये टोन, तो मैं यही टोन मैं यूज़ करने वाली हूँ, यही वाला शेड। एंड बहुत ही अच्छा मूज़ फाउंडेशन है ये और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ब्रश की हेल्प से ही। सो इसे मैं ब्लेंडर से सेट कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्रश से मैंने इसे सेट कर लिया था, उसके बाद ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लिया है। मेबेलिन का कंसीलर लूँगी और अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर अप्लाई करूँगी अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा ये कंसीलर है और इसे मैं वेट ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूँगी। तो इस तरीके से सेम पर्पल के कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं इसे सेट कर लूँगी जहाँ भी आपने लगाया है कंसीलर। आप चाहें तो पूरे फेस पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने बेस को सेट करने के लिए। तो मैं हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर ही लगा रही हूँ जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया है। सो आईब्रो पेंसिल का मैं यूज़ करूँगी अपनी आईब्रोज़ को डिफाइन करने के लिए, आईब्रो को फिल कर लूँगी अच्छे से। तो इस तरीके से इसके बाद मैं ले रही हूँ कॉन्टूर स्टिक। तो थोड़ा सा फेस उनका पतला है और मेरा आप देख सकते हैं कितना चौबी सा है, तो चिन के पास जो है मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके कॉन्टूर करूँगी, ज़्यादा कॉन्टूर करने की कोशिश करूँ ताकि मेरा थोड़ा फेस जो है वो पतला सा दिखाई दे। एंड नोज कॉन्टूरिंग करूँगी, तो इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी मैं अपनी कॉन्टूर को, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो कॉन्टूरिंग जो है वो ये है मेरे पास NYB के कॉन्टूर स्टिक, बहुत ही क्रीमी है एंड बहुत ही अच्छे से शेप देती है आपके फेस को। तो ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है, बट हाँ थोड़ी सा ब्रॉन्जर कर लेती हूँ इसे सेट करने के लिए। तो बहुत ही लाइट वाला ब्लशर मैं अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं यूज़ करना है मुझे, तो ताकि थोड़ा सा मिक्स मैच सा हो जाए मेरा जो मेकअप है। उन्होंने बहुत ही लाइट सा ब्लशर लगाया था। तो आईज़ पर मैं लूँगी ब्राउन शेड अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ। तो आई मेकअप तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं था, ये उनका लाइट मेकअप था विद बोल्ड पिंक लिपस्टिक के साथ, लाइट मेकअप न्यूड मेकअप विद पिंक लिपस्टिक के साथ। सो मैं उसी तरीके का थोड़ा सा मेकअप क्रिएट करने चाह रही हूँ। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो दूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अपने इनर कॉर्नर पर मैं जो है वो वाइट शेडो का यूज़ करूँगी ताकि थोड़ा न्यूड सा मुझे एक मिल जाए, मुझे
मेरा आई मेकअप लुक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं लाइनर का यूज़ करूँगी और इस तरीके से अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्टिक क्विक का जेल लाइनर। तो थोड़ा सा विंग्स भी शायद उन्होंने क्रिएट कर रखा था, तो मैंने भी थोड़ा विंग बनाया है। और इसी भी मैं थोड़ा सा मोटा लाइनर मैं अप्लाई करूँगी विद विंग्स के साथ। तो यहाँ हो गया है मेरा लाइनिंग कंप्लीट। एंड लोअर लैश पर मैं लगाऊंगी ब्राउन शेडो। सो ब्राउन शेडो को मैंने यूज़ किया है, इसमें काजल नहीं लगाऊंगी, हाइलाइटर यूज़ करूंगी। कलर स्क्रीन का हाइलाइटर है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। अच्छे से हाईलाइट करता है आपकी हाइलाइटिंग पॉइंट्स को। लैशेज मैंने पॉपअप कर ली हैं और अब बारी आती है लिपस्टिक की, जो कि बोल्ड लिपस्टिक मुझे चाहिए थी एंड सेम कलर मुझे मिल गया था पिंक कलर का, तो अप्लाई कर लिया है मैंने। सो इयररिंग वेयर करूँगी मैं, वाइट कलर के इयररिंग हैं तो थोड़ा सा मैच कर रहे थे, सो मैंने यही कैरी कर लिए। सो यहाँ मेरा मेकअप होता है कंप्लीट। तो कैसा लगा है आपको ये मेरा मेकअप लुक? आई होप कि मैंने थोड़ा सा तो मैच किया होगा उनके साथ। सो आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि मेकअप लुक अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।